भारी तबाही के बाद अब दुनिया एक भयानक महामारी के असर से बाहर आ रही है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों को डर सता रहा है कि रूसी वैज्ञानिक एक और महामारी का जोखिम उठा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि वे उस वायरस को दोबारा जिंदा कर रहे हैं जिसने धरती से मैमथ का सफाया कर दिया था। खबरों की माने तो साइबेरिया के एक शहर में एक पुरानी जैव हथियार बनाने वाली लैब में शोधकर्ता उन वायरस को दोबारा जगाना चाहते हैं जो पिछले 4 लाख साल से निष्क्रिय है। दसन की खबर के अनुसार वायरोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के वेक्टर स्टेट रिसर्च सेंटर में इस जोखिम भरी रिसर्च का उद्देश्य यह समझना है कि वायरस आखिर कैसे विकसित होते हैं। रूसी टीम हिमयुग यानी आइस एज के जानवरों जैसे मैमथ और बालों वाले गेंडे के अवशेषों की जांच कर रही है जो भूमि पर घूमते थे। इस रिसर्च ने विशेषज्ञों की चिंता को बढ़ा दिया है क्योंकि निष्क्रिय वायरस के साथ मरे हुए जानवरों का अध्ययन करना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। यह संभव है कि प्राचीन वायरस जीवित जानवरों में फैल सकता है। याकूटिया क्षेत्र में शून्य से नीचे तापमान में जानवरों की लाशें लगभग पूरी तरह संरक्षित हैं, जहां तापमान -55 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। यह वही जगह है जहां हाल ही में फ्रांसीसी वैज्ञानिकों ने एक ज़ॉम्बी वायरस को पुनर्जीवित किया था जो 50,000 साल से जमी हुई झील के नीचे दबा हुआ था। रूसी शोधकर्ता प्राचीन वायरसों की पहचान करने की भी उम्मीद कर रहे हैं जिन्हें पोलियो वायरस के रूप में जाना जाता था। वैज्ञानिकों ने लैब में विनाशकारी भूलों को लेकर वेक्टर के शोध के बारे में चिंता जताई है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों को किसी भी तरह की चूक का डर सता रहा है क्योंकि नई रिसर्च और भयानक महामारी को ट्रिगर कर सकती है। एक वैज्ञानिक ने चेतावनी दी कि रूस आइस एज के विलुप्त हो चुके जानवरों को लेकर पूर्व ऐतिहासिक वायरस के साथ जो खिलवाड़ कर रहा है वह इंसानों को भी संक्रमित कर सकता है।